रखना है, चाहे आप ऐसे उसके ऊपर जो डाल सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से करना है। प्रेस, हाँ प्रेस करने की लिमिट होती है 30:2, मतलब 30 बार प्रेस करना है और 2 बार करना है। और जनरली जब तक हमारी मेडिकल टीम नहीं आती है, कोई एम्बुलेंस नहीं आती, जब तक करते रहना है, फिर हम पेशेंट को हैंड ओवर कर सकते हैं। और अप टू 2 इंचेस आपको डेप्थ जाना है। हाँ, अप टू 2 इंचेस जाना है। प्रेशर मीन्स प्रेशर, अच्छा खासा प्रेशर देना है। पेशेंट की रिप्स भी टूट सकती है, जो रिप्स होती है, बोन्स होती है, वो भी टूट सकती हैं, बट उससे डरना नहीं है, क्योंकि बेसिकली हमारा जो हार्ट है, हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हार्ट को पंप कर रहे हैं, उसने पंप करना बंद कर दिया है खुद से, तो इसलिए हम उसको एक मैकेनिकल वेंटिलेशन दे रहे हैं, एक सेकेंडरी वेंटिलेशन दे रहे हैं उसको करने के लिए। और हाँ, और उन्हीं पेशेंट्स में करना है जिसमें पल्स नहीं है। पहले श्योर हो जाओ कि पल्स आ रही है नहीं आ रही है, तो पल्स सब चेक करेंगे, ऐसे चेक करते हैं, पल्स कहाँ कहाँ चेक करते हैं, नेक पे चेक कीजिए, हाथ में चेक करते हैं, यहाँ पे पल्स होती है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ये नहीं कोई बेहोश हो गया स्टार्ट कर दिया देना। और लगता है कि आपने कोई खाना खाते खाते किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, या कोई चोकिंग, चोकिंग मीन्स क्या होता है कि हम बात करते करते खाना खा लेते हैं, या कोई बड़ा आइटम खा लिया, कोई ठीक से च्यू नहीं किया, गलती से कोई पत्थर आ गया, कोई मार्बल आ गया, उस केस में कोशिश करना है कि उसका जो जो चोकिंग हो रही है उसको हम बाहर निकाल सकें। तो चोकिंग को कैसे बाहर निकालेंगे, हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसमें हम क्या करेंगे कि पेशेंट को इस तरीके से, पेशेंट के पीछे जाके अगर उसको आप चोकिंग दो, ऐसे कि चोक हो रहा है, सांस नहीं आ रही है पेशेंट को ना, इसको अजीब लग रहा है, चोक हो रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, पीछे से हमें इस तरीके से बनाना है, थ्रस्ट बनाना है, और इसको हमें ऐसे जोर दे सकते हैं इस तरीके से कि जिससे वो वॉमिट आउट करे, और जिसका चोक हो रहा है खाना वो सारा बाहर आ जाएगा, तो ये इसको चोकिंग बोलते हैं। एनी क्वेश्चंस? प्रेस हमें बेसिकली, दिस बोन इज कॉल्ड स्टर्नम, यहाँ पे फील कीजिए, सब स्टर्नम होती है, एक बोन स्ट्रेट, देखो स्ट्रेट बीच में होती है, तो हमें स्टर्नम पे यहाँ पे पुश करना है, इसको बेसिकली बीचों बीच पुश करना है। एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ जी, हाँ, जब पल्स नहीं प्रेजेंट है, पल्स प्रेजेंट नहीं है, दैट मींस उसका हार्ट स्टॉप हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया है उसको, तो उस केस में हमें स्टार्ट करना है CPR। अगर पल्स प्रेजेंट है तो नहीं करना, कोई और कारण हो सकता है, जैसे ग्लूकोज कम हुआ, या कोई और बीमारी है उसको, या वो थका हुआ है, इस चक्कर में अनकॉन्शियस हो गया, उस केस में नहीं करना है। हाँ जी,